गाइस, तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, आज रक्षाबंधन मैंने लगाया है मेहंदी। तो देखिए मैं कैसे तैयार हुई हूँ, पुरानी साड़ी पहनी हूँ, कुछ नया नहीं है, कुछ मेरे लिए खास नहीं है, क्योंकि मेरे दोनों भैया मुंबई रहते हैं, मेरे राखी बांधने वाला कोई नहीं है। मेरा एक संजय भैया है, वो गायब है, उसका पता ही नहीं है, कोई नहीं है मेरे पास, मैं अकेली हूँ। तो आप लोग कैसे हैं, आप लोग रक्षाबंधन अपनी अपनी बहनों के साथ और जितनी बहनें देख रही हैं वो लोग अपने भाइयों के साथ खूब इंजॉय करें मस्त से। मेरा तो ऐसे ही कट जाएगा, मेरी ननद आ रही है जिसकी तैयारी में हम लगे हैं, तो हम जा रहे हैं बनाने मुर्गा। मैं रो नहीं रही हूँ गाइस, मैंने प्याज काटा है तो मेरी आँख में बहुत तेज लग रहा है। और आप लोग बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में, मैं दिखाती हूँ आज रक्षाबंधन स्पेशल ब्लॉग। आज का रक्षाबंधन का स्पेशल ब्लॉग है, तो आप लोग पूरे ब्लॉग में बने रहिएगा, मैं दिखाऊंगी आप लोगों को आज का पूरा दिन का वीडियो। और बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। और अगर मेरे भैया तक वीडियो पहुँच रही है तो भैया हैप्पी रक्षाबंधन, आई मिस यू, आई लव यू। राखी की तैयारी हो रही है, मिठाई आई है बहुत बढ़िया वाली, बस बंद जाए एक बार राखी, फिर मिठाई को तो देख लेंगे। ये देखिए मेरी ननद है, कितनी प्यारी है ना, ये भी यूट्यूब पे वीडियो बनाती है। मैं इसका चैनल आप लोग को बताऊंगी गाइस, तो आप लोग इनको जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अब बने रहिए ब्लॉग में, दिखाते हैं। देखिए चावल हमने पका लिया है, आए कहाँ गए चावल, हेद दे, चावल मेरा पक गया है, मसाला इधर तैयार है, चिकन अभी पॉलिथीन में ही है। तो गाइस नहीं देखा बहनी बदयाल हो तो गाइस देखिए इधर राखी बंधाना शुरू हो रहा है, और कितना जबरदस्त समझने की सिचुएशन रहता था कहीं पूरब हो यार बगली, हाँ ये पूरब है, वो सही हो ये इनका दिशा हो गया परम भरम, ये पूरब को पक्षी बता रही है ये। हाँ चंदन लग रहा है, देखिए भाई बहन कितना प्यार है गाइस, समझ नहीं पा रहे हम। तुहार मुहूर्त ना लो कुछ लाला, ए बनी मिठाई भैया नहीं खाना से हुआ ठूस दो, खिला दो। अच्छा चलो बस उतने दे दा, उनकर दे दा दे दा, गरीब आदमी अब दया करो। चलो अब दूसरे भैया की पारी आ गई है, ऐसा नहीं जीजा जी भी आए हैं यहाँ। रुमलियन के कपड़ा से ले ला लाला, बलि का बकरा हलाल होने के लिए तैयार। तू बनी मिठाई क्यों ला है? ना ही हम खुद खा गए ली। खुद बचाव कर कर मार मार खाइए उसके। हाली हाली खा के फिट हो गई मैं।
पन्नी सुधन खिलाया जाता है, पन्नी निकाला नहीं जाता है मिठाई में से। आए अंश टकला भी राखी बंधवाएगा। ए आधा टांग का कपड़ा पहन के कौन राखी बनवाता है? ले लो अपनी मिठाई, पैर छुआ बुआ को उतर के शर्ट से। अरे पीछे थे, आगे छुआ पहले। फूफा का भी छू लो। चलो देखो राखी बंधा गई, हो गया आगे काम। अब बनेगा यहाँ मुर्गा। गाइस देखिए बारी बारी बहने आती जा रही हैं, भाई को अपने बांधती जा रही हैं। बस बस उससे ज्यादा मिठाई खाने कोशिश ना रहा है। सही है। चलिए ये देखो मेरा भांजा है गाइस, बहुत शर्मिला है। चीकू इसका नाम है और इसके बाप का नाम चिपकू है, वो आए नहीं है। देखिए बुआ भतीजे को राखी बांध रही है। हमारे यहाँ का चलन होता है बुआ भी राखी बांधती है भतीजों को। अनेक पापा मिठाई ताक में पड़े हैं।
लेकिन इनको मैं मिठाई नहीं खाने दे रही हूँ गाइस, इनका शुगर बहुत बढ़ गया है। गाइस हम मिठाई नहीं खाते आजकल, छोड़ दिए हैं, इसलिए मिठाई बचा कर रखते हैं, क्योंकि खा थोड़ा बताए। गाइस ठूस ठूस के खा रहे हैं और दिखा रहे हैं नौटंकी हमसे। बस ये ननद भाभी का प्यार है गाइस। तो गाइस देखिए चिकन कैसा बन रहा है, मेरा घर का चिकन। मेरी दोनों ननदें बहुत शिकारी हैं, चिकन जब तक नहीं खाएंगी वो लोग सुकून नहीं लेंगी। तो चिकन बन रहा है और मैंने मंगवाया है, देखिए यहाँ पे है, ये देखिए यहाँ पे तंदूरी रोटी, वहाँ पे चावल भी बन गया है। बने रहिए ब्लॉग में हमारे, दिखाते हैं कंटिन्यू। देखो यहाँ आराम फरमाया जा रहा है, ये मेरी ननद माँ बनने वाली प्रेग्नेंट हो गई है। गाइस देखो दो बच्चा था, मैंने मना किया था लेकिन ये तीसरा जबरी हुआ रही है। ये मेरी छोटी सबसे छोटी है, सबसे छोटी है ना, नहीं सबसे छोटी वही है जो सोई है, माँ सॉरी न्यू मम्मी बनने वाली जो है, सबसे छोटी है। सबसे बड़ी मैं हूँ, मैं इन लोग की भाभी हूँ, सॉरी ये लोग मेरी भाभी हैं। तो गाइस बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू। देखिए हम निकल चुके हैं मार्केट के लिए और हम जा रहे हैं नंदों के लिए कुछ गिफ्ट वगैरह लेंगे, और बहुत शोर हो रहा है गाड़ी का। जा रही हैं अब अपने अपने घर। लो मामा दे रहा पैसा, लाला ए लाला मामा पैसा दे रहे, ले लो तेरे चिपो मामा, बहुत घाव घाव पुलाइ का है ए भैया, तेरे चिपो मामा पैसा दे रहे, ले लो बस किया हम तेरे दरवाज़े दे देना, बस मैं कंडक्टर को पैसा दोगे ना, ले लो वो दे मामा दे रहे, वो वाले मामा दे रहे, ले लो ले लो ले लो। अरे सऊदीया दुबई वाले लड़का है, चिन्हाई पैसा टकल फोड़ ना टकला हवा के, ले ला मामा जितने ले ला ले ला, अगर ले ला तू देवा कल हम चिपाई ले ले भी बंद चलो बोलो कैसे जा रहे हैं, खाते जी हम रख ले ले। Thank you.
साड़ी पकड़ाने और भीगते हुए एकदम मस्त आ गए हैं। चड्डी भी निकालो, टी शर्ट भी निकालो, सब चेंज कर लो, अंदर मत आना, पानी लग गया। तो गाइस फाइनली सब कुछ हो चुका है, दोनों लोग मेरी ननदें चली गई हैं, अब मैं एकदम रिलैक्स हो गई हूँ। लेकिन किचन में बहुत सारा बर्तन फैला हुआ है, सारा किचन साफ करना है, सारा घर बिखर गया गाइस, बहुत मैं थकी हूँ। ऐसा दिल कर रहा है कोई मुझे कड़क चाय बनाकर पिला दे, लेकिन ये दोनों में से एक भी नहीं बनाएंगे, मुझे ही बनाना होगा। औरतों की जिंदगी मानो कुछ नहीं होती, सुन है सुन, गुड़ बटा भेली, भेली जानते हैं किसको कहते हैं, गुड़ को, सूखा गुड़ जितना बड़ा बड़ा होता है ना वो, उसको भेली भेली कहते हैं हमारे यहाँ। क्या क्या कहते हैं कमेंट में बताइएगा फ्रेंड्स। और ये अपनी बहन को दौड़ते हुए बस पकड़ाने गए थे और भीग के आ गए। साड़ी दिखाइए अपने फ्रेंड लोगों को, दिखा दे गाइस। देखिए ऐसी साड़ी मैंने उन लोगों को दी है, ये थोड़ी पिंक कलर है, वो थोड़ी ऑरेंज कलर थी, अच्छी थी साड़ी, मैंने अपनी तरफ से अच्छी लाई है। अब उन लोगों को कैसी लगी मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने विदाई वगैरह कर दी है और ननदों के चक्कर में मैं खुद अपने मायके नहीं गई। मेरे पापा फोन भी फोन कर रहे हैं, अब आ रही हूँ मैं मार्केट जाऊँ, चिकन मुर्गा बकरा अंडा लाऊँ। मैंने कहा कुछ नहीं, मैं नहीं आ रही हूँ। ठीक है गाइस, तो अब ब्लॉग को करते हैं यहीं एंड गाइस, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। हाँ अफसोस कि ये रक्षाबंधन की वीडियो है, बट आप लोगों को देखने को रक्षाबंधन के 3 दिन बाद मिलेगी, इसका रीजन क्या है वो मैं आप लोगों को लाइव में बताऊंगी। बाकी तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।